Several parts of the country are receiving heavy rains, raising water levels in rivers over dangerous limits amid the threat of flooding. Flood-like situation has prevailed in several states, including Assam, West Bengal and Bihar as well. While the downpour exacerbated the flood-like situation on all of these states, several districts across the country are inundated. Major rivers in Bihar in particular are flowing above the danger level at several places as unabated heavy rain lashes in the country's eastern portions today. Heavy rain has of course been lashing over the last 24-hour period as well. My colleagues have in fact spoken to several people on the ground, of course, filing reports of the course of the day. Let's take a look at these. कैंप का व्यवस्था किया जाए, खाने पीने की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी घर है सबके घर में जो चूल्हा है वो पानी में डूब चुका है। देखिए अनाज इस तरह से रखा गया है, तो यहाँ कैंप का व्यवस्था होगा तभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे और जो मतलब जानवर माल जाल है वो सबका भी ये हो जाएगा, राहत पहुंचेगा उन लोग को भी। अब बूढ़े बच्चे अधिकतर बच्चे मतलब अपने घर के छत पे बैठे हुए हैं 12 बजे रात से ही, तो स्थिति बहुत ही भयावह है। पूरा गाँव जो है ना वो पानी में डूबा हुआ है, चाहते यहाँ पे कैंप का व्यवस्था किया जाए। देखिए यहाँ जो घर है, यहाँ जो घर है बांध किनारे ऊंचे स्थान के जस्ट बगल में एक घर का निर्माण करवाया गया था, लोगों ने सुख चैन से रहने की ख्वाहिश की थी, लेकिन उस मेहनत पर भी पानी फिरता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। देखिए लोग अपने अपने घरों को भी तोड़कर जो है संबंधित सामग्री को नाव के माध्यम से, बच्चे जो है काफी जान जोखिम में डालकर जो है ऊंचे स्थान की ओर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कुछ लोग जो है नाव से अपने घर की ओर जा रहे हैं ताकि घर में बचे हुए सामानों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और उसे ऊंचे स्थान की ओर लाया जा सके। हम इधर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जनवितरण प्रणाली विक्रेता की जो दुकान है वह भी डूब गई है, जिस कारण बांध पर जो है यहाँ दुकान से संबंधित जो है राशन को एकत्रित किया गया है ऊंचे स्थान पर, ताकि यहाँ भी जो भी कार्डधारी यहाँ पहुंचेंगे, जो भी राशन से संबंधित लाभुक यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें ससमय राशन जो है उपलब्ध करवाया जा सके। यहाँ और भी कुछ लोग हैं। देखिए घर का निर्माण हो रहा है, सरकारी स्तर से कोई इंतजाम यहाँ नहीं किए गए हैं, जिस कारण लोग जो है खुद से। कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? क्या ये कब से बना रहे हैं आप लोग? कल से। क्या सब दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो घर में पानी है, मवेशी और जो है पानी में है, और घर में भी पानी है। प्रशासन और शासन की ओर से जो है रहने की व्यवस्था नहीं की गई है? कहाँ है व्यवस्था, व्यवस्था रहता तो ये करते हम। तो देखिए यहाँ जो है ये खंती के माध्यम से जो है गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं, जिसमें जो है ये पिलर डालेंगे और इसका बेस मजबूत होगा, ऊपर चदरा अथवा जो है प्लास्टिक डालकर ये लोग जो है रहेंगे। या देखिए कि किस तरह से लोग जो है अपने अपने घरों से सामान निकालकर ऊंचे स्थान पर ला रहे हैं ताकि घर जा सके और ये लोग आसानी से रह सके। पड़ोसी देश नेपाल यानी जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। एक बार फिर कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सुपौल जिले के निचले इलाके, खास करके सुरक्षा तटबंध के भीतर बसे गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। अभी आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि कोसी बराज से जिस गति में पानी छोड़ा जा रहा है, सुपौल जिले के मरौना, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, सुपौल सदर, निर्मली सहित कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अब तक तकरीबन हजारों एकड़ खेतों में लगी फसलें डूब गई है। बताया यह जा रहा है कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में जगह जगह विभिन्न सुरक्षा तटबंधों पर इंजीनियर के साथ साथ प्रशासनिक आला अधिकारी भी मुस्तैदी से तैनात हैं। यहाँ तक कि सुपौल डीएम कौशल कुमार, एडीएम सहित अन्य अधिकारी भी पल पल की निगरानी कर रहे हैं, और यही कारण है कि जिले में अब तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। नदी एक बार फिर रौद्र रूप अपना ली है। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में झमाझम बारिश से कोसी नदी उफान पर है।
कोसी बराज से 3,93,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल में जल तांडव देखने को मिल रहा है। अभी हम दिघिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में है, जो जोहरा गांव है, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि घरों के आंगन तक, घरों में जो है बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों में जो है काफी मुश्किलें बढ़ गई है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरह से जो है बाढ़ में वो परेशानी झेल रहे हैं, किस तरह परेशानी हो रही है अभी। यहाँ की परेशानी बहुत है, गंभीर है। जो पानी जो घर में घुस गए, खाना बनाने के लिए भी अच्छी नहीं है, और यहाँ का जो फसल। शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जो हम लोगों का जो है विधि पूर्वक जो है सहायता दिया जाए, और यहाँ का जो है इधर से उस पार जाने के लिए उचित मुहैया किया जाए। अभी आप लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं। देख सकते हैं कि घरों तक जो है पानी घुस गया है, और लोगों का जो खाने बनाने के लिए चूल्हा है वो भी जो है अब बाढ़ के पानी में जो है समा गई है। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सरदार। किस तरह परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी तो कल है सर, झेल रहे हैं हम लोग। पानी या खाना नहीं बन रहा अभी तक, चूल्हा तुला सब डूब गया, देखिए अभी सामने में। शासन प्रशासन से क्या राहत मिल रही है? अभी तो कोई राहत नहीं मिल रहा है, कोशिश कीजिए जो मिल जाएगा तो और अच्छा होगा। अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? फिर क्या करेंगे, किसी तरह से तो रहना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि एक जो सहारा है ये, इसे मचान कहते हैं, और मचान पर जो है महिलाएं बैठी हुई है और जरूरतें सामान को लेकर बैठी है। समस्या हो रही है, बहुत कठिनाई है यहाँ। पानी पीने का पानी की व्यवस्था भी नहीं है, चापाकल डूब गई है पानी में। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है यहाँ पे आदमी सब। फिर परेशानी है। शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? कुछ राहत दिया देने का। अभी तक राहत मिला है? कुछ भी नहीं, अभी तक कोई देखने के लिए भी नहीं आया है। कोई देखने के लिए भी नहीं आया है। तो सुपौल में जो है जल तांडव देखने को मिला है, और कई सैकड़ों गांव के घरों में जो है बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की मुश्किलें जो है काफी बढ़ गई है। पड़ोसी देश नेपाल में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण सुपौल में कोसी नदी जल तांडव मचा रही है। अभी हम सुपौल के मरौना प्रखंड इलाके में मौजूद है, जहां सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि कोई घर नहीं बचा हुआ है। यहां बेला गांव है, घोघरिया पंचायत का एक हिस्सा है, वार्ड नंबर 1 पड़ता है। यहां हर घर में बाढ़ का पानी भर गया है, लोगों को रहने और खाने तक में जो है भारी परेशानी हो रही है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। यहाँ जिधर नजर जा रही है, जहां तक नजर पहुंच रही है, वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल तांडव के बीच लोग जद्दोजहद कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। लोग तरह तरह की जो है कठिनाइयों का भी सामना कर रहे हैं, या कुछ लोग भी तरह की परेशानी झेल। हाल पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण, जल जमावट के कारण अस्वस्थ हो गया है बस्ती में, घर घर पानी गया है। पशु को खाने के लिए नहीं मिल रहा, आदमी को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, इनके लिए सारा चीज के लिए असुविधा सर गुजारा। सरकार से बात करें व्यवस्था का, इंतजाम का, क्या ऐसी अभी है? अभी सरकारी कोई व्यवस्था हम लोग को इंतजाम नहीं मिला है, अभी तक का कोई सुविधा सुख सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिला हुए है। अभी कहा गया है ग्रामीण के द्वारा, देख रहे हैं सब जगह लोग, माल मवेशी लोग हर एक जगह अपना अपना जुगी डाल डाल के अपना स्थान पे रह रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है स्पष्ट तस्वीरें नजर आ रही है। यहाँ देखिए जितने भी घर है, यहाँ बेला गांव में जितने भी घर है, उन तमाम घरों में जो है बाढ़ का पानी घुस गया है। टापू में तब्दील इस बेला गांव के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोग किस तरह से ऊंचे स्थान पर पहुंचे, और ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए सरकारी स्तर से जो इंतजाम किए गए हैं, बस एक मात्र नाव की व्यवस्था करी गई है। यहां बताया जा रहा है कि बाढ़ राहत केंद्र तक नहीं खोले गए हैं, बाढ़ आश्रय स्थल तक का यहां निर्माण नहीं करवाया गया है, जिस कारण लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। या और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आप? यहाँ पे हालात बहुत गंभीर है, लोगों के चूल्हा तक में पानी चला गया है, लोग खाना कैसे पकाएंगे। शासन प्रशासन के द्वारा कोई तरह का यहाँ राहत शिविरों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ
बच्चे बूढ़े महिलाएं सब भूखे मर रहे हैं, यहाँ कोई तरह का राहत काज नहीं हो रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.